सो वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम। कैसे आप सब? जैसे कि लास्ट वीडियो में बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो आपकी इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट BCOC 133 यानी बिजनेस लॉ का होगा 2021 के अंदर जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। जो भी एप्लीकेबल है उनके लिए ये असाइनमेंट है, आप सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। देन फर्स्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू यानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीकॉम जनरल, ठीक है, आपके दो सेमेस्टर वाइज में पार्ट डिवाइडेड है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का। अब कोई नहीं पूछेगा कि सर सेमेस्टर टू का ये असाइनमेंट है, ठीक है, आप ही का है, आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चेक कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दिस आपको पता है कि फर्स्ट पेज आपको क्या अटैच करना होता है, जिसमें आपके डिटेल्स फीड किए जाते हैं, नेम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, कोर्स टाइटल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ सबमिशन, ये सब आपको करना होता है। देन आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाना होता है, देन आपके सारे आंसर्स एंड सॉल्यूशन लगाने होते हैं, ठीक है। देन फाइल में अटैच करके आपको या तो स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है, अगर स्टडी सेंटर नहीं ले रहे हैं देन रीजनल सेंटर पे, अगर रीजनल सेंटर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं ऑनलाइन है, देन बहुत अच्छी बात है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन मेथड ये है कि आपको गूगल पे सर्च करो अपने रीजनल सेंटर, ठीक है, आपका जो भी रीजनल सेंटर है उस पे जाओ, उसके नीचे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट गिवन होगा, उसके अंदर आपको सबमिशन ऑफ असाइनमेंट प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा, या तो गूगल फॉर्म दिया होगा या तो डायरेक्ट मेल आईडी दी होगी जिस पे भेजना होगा, ठीक है। तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें, आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। मेल करते हो तो भी रिवर्ट आएगा, अगर गूगल फॉर्म फिल करके आप पीडीएफ अटैच करते हो तो भी आपको रिवर्ट आ जाता है आपके मेल आईडी पे, ओके। तो फर्स्ट चीज़ ये बताना चाहूँगा सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू यानी फर्स्ट ईयर इग्नू के स्टूडेंट का है, ठीक है, पता है आपको। देन आपको क्या क्या चीज़ अटैच करना है आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू एक ही है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही का है, ठीक है, मैं भी बता चुका हूँ मैं आए पहले ही। एंड ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि डियर आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो। देखो लाइक करो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक कर दो, एक बटन ही दबाना है आपको, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि जिन दोस्तों को आपको आपके ये नहीं पता है कि असाइनमेंट भी बनाना होता है उनको आप अवेयर करो, ठीक है। मैं आपको कर रहा हूँ, आप उनको करो, ठीक है, आप उनको अवेयर करो, उन पे शेयर करो इस वीडियो को, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए, देखो आप ही के बेनिफिशियल के लिए आएगा। मैं सिर्फ एक मेथड आपको एक गाइड कर दूंगा, एज अ मेंटर आपको बता दूंगा हर चीज़, एग्ज़ाम से पहले आपके प्रिपरेशन भी करवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी आपके जो अभी करंट में आए थे वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा विद सॉल्यूशन आंसर्स, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए, सब चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चैनल पर ज़रूर बने रहना, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दोस्तों, ठीक है। 500 लाइक्स का आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, आप कर देना, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूँगा, आप अपने असाइनमेंट पे ध्यान दो, जल्द से जल्द बनाओ एंड सबमिट कर दो, ठीक है। एंड याद रहे अभी तो नहीं, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होता है एग्ज़ाम से पहले। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता एग्ज़ाम फॉर्म क्या है, तो बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन आपको फर्स्ट करवाना होता है इग्नू के अंदर, आप रजिस्टर्ड हो गए, देन एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, पर सब्जेक्ट आपका 150 अप्रॉक्स होता है, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म आपको वो फिल करना होगा, अभी नहीं आया है, अप्रैल में आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। एंड आपके हॉल टिकट एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। हर चीज़ से आपको गाइड करूँगा, मदद करूँगा, आप बस चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर दो चैनल, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, चैनल पे बने रहो, लाइक जरूर कर देना, 500 लाइक्स की उम्मीद रख रहा हूँ आपसे, कर दोगे, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगी आपको बेल आइकन दबा देना, पता चल जाएगा।